उस वक्त हमने मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और सैयद अहमद हा की नस्बत से अजीम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस उस टाइम किया और इसका फिर पहला लोगो भी मैंने डिज़ाइन किया। नारंग मंडी के सबर्ब एरिया है मेरा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ से मैं 2003 में गया ग्रेजुएशन करने के लिए गुजरांवाला में प्रोफेसर मोहम्मद अजीम फारूकी साहब के पास। उन्होंने हर स्टेप पे मुझे बताया कि अब ये वाले कॉलेज जाओ, अब ये करो, अब ये करो। तो उनकी सपोर्ट साथ थी तो बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे सरपरस्त अगर मिले तो खुशकिस्मती होती है इंसान की। प्रोफेसर मोहम्मद अजीम फारूकी साहब से मुलाकात जो मेरी हुई फर्स्ट टाइम में, मैं एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। ये बिल्कुल दुरुस्त है और सच्ची बात भी यही है कि जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो लिहाजा वो अनमोल होने का मामला यही था कि आपने जो मोहब्बत फरमाई, जो प्यार किया उनसे, हमारा वाबस्तगी 20 साल से है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुजरांवाला में हमारी अटैचमेंट इसी एजुकेशन के हवाले से ही हुई थी। उसके बाद रूहानियत की तरफ उनके साथ उन्होंने हमें अपने दस्ते बाजू में ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से ही अपने भाई के साथ बहुत अटैच थे, जैसे अक्सर बहनों को प्यार होता है। तो हम चारों बहनें थी, सबको ही बहुत प्यार था और उन्होंने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया और हमें तालीम भी इसी तरह से हर तरह हमारी हेल्प की। तो ज़रूरी वाज़ो नसीहत, दनाई हिकमत की बातें यानी तरबियत की और मुझे कहा कि बेटा आप मेडिकल साइंसेस की तरफ तवज्जो दें। बढ़ता गया जूं जूं दुआ की, मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की। तो सर सैयद की जो फ़िक्र है तहरीक अलीगढ़, वो मेरे दिल में एक आइडियल के तौर पे उभरना शुरू हो गई और मैंने फिर दिल में ठान लिया कि उन्होंने मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से बेशुमार इदारे बनाए, स्कूल बनाए, फिर कॉलेज भी, बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी वो बनी, साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाई, फिर रसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ भी किया, फिर उसी के प्लेटफॉर्म से बाद में मुस्लिम लीग भी बनी। उन्हीं के सारे वो दस्तो बाजू थे नवाब मोहसिन मुल्क, वक़ार मुल्क लोग जो हैं। तो मैंने उनकी नस्बत से मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, तो अल्लाह करीम का जो इस्म मुबारक है वाहुल अलीयुल अज़ीम, तो उस नस्बत से मैंने अजीम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का मेरे दिल में आया। सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जब हम सीरत और किरदार, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ज़िंदगी का तवील हिस्सा तहरीक अलीगढ़ के साथ गुजारा। हयाती जावेद के नाम से उन्होंने सर सैयद की पूरी हिस्ट्री और उनके अदात व खसाइल और उनकी दीगर जो इल्मी, फिक्री, सियासी और मजहबी, दीनी जितनी भी उनकी सरगर्मियाँ थी, उनके ऊपर बड़े मुदल्लल अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। जब विलियम म्यूर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख के काफ़ी हर्जा सराइए की और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात बाबरकात पे कीचड़ उछालने की कोशिश की, तो ये बंदा इंग्लिस्तान भाग गया और डेढ़ साल तकरीबन, एक साल पाँच महीने सर जोड़ के बैठा रहा और उस के एक एक सवाल का मुस्कत जवाब दिया, दलाइल के साथ सारी लाइब्रेरियों को कंसल्ट किया। तो बात अहमदिया के नाम से उन्होंने किताब लिखी, इस दौरान उनके पांव भी मुतवरम हो गए, ऐसे चंबल वगैरह पड़ गई, जो मरते दम तक उनके साथ वो रही। लेकिन उन्होंने खूब जो है वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में, फिर उनका एक और मशगला वहाँ था कि उन्होंने यूरोप की यूनिवर्सिटियों का मुतालिया किया कि देखा कि ये क्या चीज़ है कि एक तरफ से जो है वो बच्चा एक डालते हैं
5 जमाते पढ़ा हुआ दूसरी तरफ से बहुत बड़ा इंजीनियर बन के निकल आता है, पॉलिटिशियन बन के निकल आता है, बहुत बड़ा जो है स्कॉलर बन जाता है, राइटर बन जाता है। तो वो देखना चाहते थे कि यूरोप क्या अपने बच्चों को कौन सी तालीम दे रहा है, कैसी तरबियत दे रहा है। मुझे याद है जब मैं इंटर में था तो किसी वो मैंने फॉर्म पे लिखा था कि उन्होंने पूछा आप क्या बनना चाहते हो, मैं उस वक्त लिखा था जी मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ। मेन तो वही है, छोटे से स्टोर से काम शुरू किया, फिर ड्राइंग रूम में आगे, ड्राइंग रूम से कमरे में आगे, कमरे से फिर एक एकेडमी में आगे, एकेडमी में फिर अपनी एकेडमी में आगे, उधर 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई जहाँ पे 13 मास्टर मैं कराता था। और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ जो बच्चे पढ़ना चाहते थे लेकिन वसाइल कोई नहीं थे। फर्नेस पे काम करते थे, ये लोहे की भट्टी पे। तो किसी ने कहा कि तुम वहाँ फारूकी साहब के पास जाके आप शेर वगैरह भी साथ कर लो, तो उनको मैं शुरू करा दिया पढ़ाना। वसाइल उनके पास थोड़े थे, फीस भी नहीं दे सकते मैं, कोई बात नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि तालीम में बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए, फीस नहीं नो मैटर, एडमिशन नहीं दे सकते नो मैटर। अल्लाह का शुक्र है मेरे अल्लाह ने ऐसा वसाइल भी दी और तौफीक भी दी कि उनके मैं दाखिले भी भेज देता हूँ, उनकी ज़रूरतें भी पूरी। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं भाई अबू सर देखता हूँ कि आप काम पूरा नहीं करके आ रहे। तो उसने कहा कि बात यह कि सारा दिन 8 घंटे तो मैं वो लोहा डालता हूँ। प्रोफेसर मोहम्मद अजीम फारूकी साहब से मुलाकात जो मेरी हुई फर्स्ट टाइम में, मैं एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था तब ना, मतलब 12 घंटे की मेरी जॉब थी उधर, लेकिन एक शौक था कि यार पढ़ा जाए। तब मैंने मैट्रिक किया हुआ था तो किसी रेफरेंस से मैं प्रोफेसर साहब के पास चला गया, तो 1-2 क्लासेस ली। फिर बाय चांस ही गया था, मतलब ये नहीं था कि मैंने वाकई पढ़ने लग जाना है। 1-2 क्लासेस ली तो प्रोफेसर साहब ने बड़ा प्यार किया, बड़ा मतलब उन्होंने कहा नहीं आप पढ़ें, ठीक है ना, रेगुलर आया करें। तो मैं मतलब इसी तरह से बस स्टार्ट ले लिया। तो 12 घंटे काम करने के बावजूद तो एक टाइम आया कि मैं थक गया, मतलब 12 घंटे की जॉब है, उसके बाद फिर ऊपर से खुद ही खाना बनाना है, खुद ही अपने कपड़े मेंट करने हैं, सारा काम खुद ही करना है। तो फिर साइकिल का एक सफ़र था जो जाना भी है, वो तकरीबन 4-5 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर बन जाता है। तो एक सारे दिन की थकान थी, दूसरा फिर ये पढ़ाई। मैंने ना फिर एक दिन, क्योंकि प्रोफेसर साहब जो काम देते थे मुझे वो मुझसे हो ही नहीं पाता था, वो घर में कर ही नहीं सकता था मैं, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। मैंने प्रोफेसर साहब के साथ बात की, मैंने कहा सर मामला ये है कि मैं ना बड़ा फेड अप हो गया हूँ इस मामले से कि मैं आपका काम भी नहीं सही तरह कर सकता और उधर भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ जॉब पर भी, वो भी काम नहीं ठीक हो रहा, 12 घंटे की जॉब है ये बहुत ज़्यादा ना। तो फिर प्रोफेसर साहब ने तब मुझे कहा कि आपने पढ़ना नहीं छोड़ना, जो मुझे आज इस सीट पे ले आई ये चीज़, इनका ये लफ्ज़ कि आपने पढ़ना नहीं छोड़ना, बाकी दुनिया का हर काम छोड़ दो, आपको रहाइश चाहिए, जगह चाहिए, ये पूरी एकेडमी है 3 मंजिला, आप जहां मर्जी रहें। सर अजीम साहब का एक स्टूडेंट रहा हूँ 2003 में, और उस वक्त मैं चूँकि गांव से बिलोंग करता था, वो कसम पुरसी के हालात थे तो उसमें फिनंशियल सपोर्ट भी रिक्वायर्ड थी, वो के सर जो है वो फीस ना होने के बराबर लेते थे, कभी हम पे कर देते थे कभी नहीं भी करते थे, लेकिन अभी कभी उन्होंने कोई इस चीज़ का कोई गिला शिकवा या कभी हमें वो सख्ती से नहीं कहा कि जी आपने फ़ीस देनी, इवन छत भी हमें प्रोवाइड की गई। हम इस तरह के लकी लोग थे कि जिनको जो अकेडमी में ही रहते थे और वहाँ पे ही सोते थे और वहाँ पे ही पढ़ते थे सर से। 2015 में मैंने ये डियर कम स्कूल्स और कॉलेजेस का ये जो प्रोजेक्ट है और हमारा जो ब्लूमिंग स्कूल का प्रोजेक्ट है को स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी जब मैं यहाँ पे नारंग में आया तो यहाँ पर जो एजुकेशन का जो सिस्टम था, क्योंकि मैं इसी मिट्टी से हूँ, ये मेरा एरिया है, मैं नारंग के एक सबब गांव है, विलेज है, रूरल एरिया है, मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, भूलचक में उस गांव का, छोटे से गांव का नाम। तो मुझे पता था यहाँ पर एजुकेशन का क्या लेवल है और हम जो लाहौर में काम कर रहे हैं वहाँ का क्या सिस्टम चल रहा है,
जो बेसिकली हमारी जो यहाँ पर एक मिशन है वो प्रोफेसर अज़ीम फ़ारूक़ी साहब वाला मिशन है कि वो फरमाते होते थे कि अगर आपने किसी एक बच्चे को कामयाब करवा दिया ना, वो आपने सिर्फ एक बच्चे को कामयाब नहीं करवाया, एक पूरे ख़ानदान को कामयाब करवाया, आप वो पूरा का पूरा ख़ानदान उससे उठ जाएगा जिसको आपने ज़ेवर तालीम से रास्ता कर दिया। मैं एक्चुअली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है ब्लाइंड लोगों के बारे में कि उनको हमारी सोसाइटी में, क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, ज़्यादा इन लोगों की नीड्स बस पूरी होती हैं, तो ब्लाइंड के एजुकेशन के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि ब्लाइंड लोगों को बस हिफ्ज करवा दिया जाए और उनको बस उनके लिए यही काफ़ी होता है। तो मैंने भी हिफ्ज किया लेकिन अच्छी जगह से किया, तो उसके बाद मुझे कोई ऐसा स्कूल नहीं मिलता था जहाँ पे मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकूँ और आगे पढ़ सकूँ। मैं पढ़ना चाहती थी इसके अलावा कुछ और भी, दूसरी एजुकेशन भी, तो फिर मैं सर जी से मिली, तो उसके बाद उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जो पढ़ना चाहती हैं तो आपका ये शौक़ बहुत अच्छा है, तो आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। उन्होंने एक स्कूल के बारे में मुझे बताया जो पीपल्स कॉलोनी में था, वो ब्लाइंड्स का था वो। फिर उधर से मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई। स्कूल बॉयज़ का था लेकिन कुछ लड़कियों को भी पढ़ा दिया करते थे। एक टीचर थी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लड़कियों को वहाँ पढ़ाया करती थी, मैम साइमा उनका नाम था। तो वहाँ पे जब हम गए तो प्राइमरी तक मैंने वहाँ पे पढ़ा, तो फिर उसके बाद फिर ब्रेल के साथ तो नहीं फिर मैं रह सकी, फिर साइटेड लोगों के साथ जिस तरह आम लोग पढ़ते हैं दूसरे स्कूल्स में, फिर उस तरह मैंने पढ़ा मैट्रिक तक। फिर कॉलेज में मॉडल टाउन कॉलेज में मैंने इंटर तक पढ़ा। तो एक राइटर प्रोवाइड की जाती थी मुझे उस सिलसिले में जिसकी एजुकेशन मुझसे कम हो, बैठ सकती थी फिर वो पेपर्स में, और फिर वो जो मैं बोलती थी फिर वो लिखती जाती थी। इसी तरह से मेरी एजुकेशन चली। यूनिवर्सिटी जाने का मुझे बहुत शौक़ था, तो क्योंकि घर वाले एग्री नहीं थे इस पे कि हम आपको दूर कैसे भेजें अपने से, तो इस यूनिवर्सिटी तो नहीं, फिर इधर एक एफिलिएटेड कॉलेज था, बीएस किया है, बीएस ऑनर्स इंग्लिश फाइनल पेपर हो चुके हैं, तो पढ़ा मैं भी नहीं रही। कोशिश है मेरी और मेरा शौक है कि मैं नेक्स्ट कंटिन्यू रखूं अपनी एजुकेशन भी, ताकि मैं अपनी ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं, वाकई इंडिपेंडेंट हो सकूं जैसे कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने पांव पे खड़े हो जाएं या इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारें। बहुत चेंज थी उनसे मिलने के बाद, तो बिल्कुल ही टोटली मुझे अपनी लाइफ का पर्पज़ मिल गया ना, उनकी सपोर्ट से, उनके इनक्रेज करने से, और उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ। उन्होंने हर स्टेप पे मुझे बताया कि अब ये वाले कॉलेज जाओ, अब ये करो, अब ये करो, तो उनकी सपोर्ट साथ थी, तो बहुत अच्छा फील होता है ऐसे सरपरस्त अगर मिले तो, खुशकिस्मती होती है इंसान। दरअसल अज़ीम एजुकेशन जो कॉन्फ्रेंस है जिसकी बुनियाद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूक़ी साहब ने रखी, 1993 में जब इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया, FSC पास की, तो मेडिकल में एडमिशन ना ले सका कुछ रिसोर्सेज की कमी की वजह से, तो ग्रेजुएशन में चला गया। ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर गुजरांवाला में पढ़ने का रवाज नहीं था और कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं था। एक महीने की तगड़ों के बाद पता चला कि प्रोफेसर अज़ीम फ़ारूक़ी साहब पढ़ाते हैं, उनके यहाँ हाज़िर हुआ, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन में पढ़ाने की ज़िम्मेदारी ले ली। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ से मैं फर्स्ट डिवीज़न के साथ ग्रेजुएशन किया। हम कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बतौर स्टूडेंट्स पढ़ने के साथ साथ सियासी तंजीमों में
जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके साथ भी हमारा काफ़ी ज़्यादा रुझान था। लेकिन जब से उनके साथ अटैच हुए, पढ़ाई की तरफ निकल गए, जब देखा कि ये इतना पढ़े, इतने एमए कर लेते हैं, तो हमें भी शौक़ पैदा हुआ और ये शौक़ आज हमें यहाँ तक ले आया। इस वक्त मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला में जॉब कर रहा हूँ। मैं मुसर्रत अजमत फ़ारूकी हूँ और डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी की मैं हमशीरा हूँ। बचपन से ही अपने भाई के साथ बहुत अटैच थे, जैसे अक्सर बहनों को प्यार होता है, तो हम चारों बहनें थी, सबको ही बहुत प्यार था और उन्होंने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया और हमें तालीम भी इसी तरह से हर तरह हमारी हेल्प की। स्पेशली जो हमारे सिस्टर इन लाज आई, उनको भी इसी माहौल में डाल गई, एक माहौल जो कि घर का बना हुआ था। तो इस तरह से हम लोग मुख्तलिफ जो जामियात भी बनाए, कई ऐसी हैं जो देहातों से आईं और उन्होंने आके तो इधर किसी रिलेटिव के घर रह लिया या जैसे सीख लिया, तो अब वे अपनी अपनी जगहों पे जाके अपने अपने लेवल पे ऐसे ही अदारे खोले हुए हैं। स्किलफुल भी बनाना है, उनकी को एजुकेशन भी देनी है और स्पेशली उनकी एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेनिंग भी करनी है। की आयत करीमा जो आपने हमें सिखाई थी उसका बड़ा इफेक्ट हुआ, मतलब उस आयत का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। वो आयत ये थी कि जो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन्नार, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि पहले दुनिया की हसनात जो है वो मांगी गई कि अल्लाह हमें दुनिया पहले अच्छी दे दे, उसके बाद आखिरत अच्छी दे दे और फिर हमें अजाब से बचा ले, अल्लाह नार के अजाब से बचा। तो लिहाजा यही तरतीब आपने हमें सिखाई, आपने तुम्हारा बेटा नहीं, ये दुनिया की ज़िंदगी ही असल में तुम्हारी आखिरत की ज़िंदगी, लिहाजा अगर तुम ये सोच के इस तरफ आओगे कि दुनिया छोड़ के आना है तो ये कभी ना होने दूंगा, तो ना मेरे पास ऐसा कोई मामला है, लिहाजा यहाँ आओगे तो तुम्हें दुनिया इख्तियार पहले करनी है। ACS के नाम से मैंने शुरू किया, अज़ीम सेंटर ऑफ साइंसेस, जिसमें FSC BSc MSc और के बच्चों को तालीम, ख़ासतौर पर बच्चियों के हवाले से तालीम वो शुरू की गई और उसमें हमने मतलब बड़ी मिनिमम फ़ीस करके, तो एक मतलब आज के दौर में जो लोगों की बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं कि लोग इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते पैसों को, तो वो कम फीस में पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। वो उसका स्लोगन बनाया है, वो है ज़रूरतमंद तालिबात का इदारा, यानी उसका स्लोगन ही है ज़रूरतमंद तालिबात का इदारा, जहाँ पर हम लिखते हैं वही लिखते हैं। तो सही है कि सबको पता है कि यहाँ पर कम फीस है और मेरे ख्याल से तो आप कभी भी आगे जा ही नहीं सकते अगर आपके साथ फीमेल्स का पूरी तरह से एक इंट्रैक्शन और पूरी तरह से एक साथ नहीं है कि वो भी आपके इस मिशन में काम करें, मेहनत करें, कोशिश करें। और आज तक कोई भी तहरीक ख्वातीन की पूरी तरह से पार्टिसिपेशन के बगैर कामयाबी नहीं हुई। इस तरह के कामों की कस्बा काफ़ी बड़ा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ाफात में ना विलेजेस हैं और तकरीबन 100+, तो गुर्बत है और लोग भी हमें थोड़ा सा ताना देते थे कि आप मिलाद शरीफ आता है, आप लोग झंडियाँ लगाते हैं, ऐसे चिरागा करते हैं, और तो क्यों ये जो बच्चियां बेचारी गरीब की बच्चियां बैठी हुई हैं घरों में, उनकी शादियां करें, उस पे पैसा लगाएं। आज से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 13 साल पहले 2007 में हमने कामों की में तरगीब दी, 10 शादियों से हमने सिलसिला शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रेजुअली बढ़ाते इस वक्त हमने 63 शादियों का एक किया हुआ है। हर साल 63 शादियाँ हम सरकार की उम्र मुबारक की नस्बत से, कि आपकी 63 साल उम्र थी, उस नस्बत से हम 63 बच्चियों के करीब, और उसमें भी बड़ा हम उसको एहतियात से करते हैं कि पहले उसमें स्टेप बाय स्टेप रखते हैं कि जो बच्चियाँ यतीम हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या वालिद नहीं है, उनको प्रायोरिटी देते हैं, बड़ा उसको जांच पड़ताल करके पूरी हमारी टीम है इंक्वायरी करती है और उस तरह करके वो और उनको एक ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत अच्छा एक गिफ्ट समझ लें जहेज़ की सूरत में हम देते हैं। मेडिकल कैंप लगाते हैं हम सफ़ेद मोतिया का, वो भी बहुत अच्छा, लोगों ने बहुत पसंद किया। हर 6 माह बाद हम ये कर रहे हैं, उसमें आउटडोर कोई 1,000-1,200 पेशेंट को चेकअप करते हैं, 200 के करीब
एवरेजली ऑपरेशन हो रहा है, उस पर भी अच्छा खासा एक जो हमारे साथ हमारे डोनर्स हैं मिलकर तो करके कंट्रीब्यूशन करके बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भी ये दो तीन दिन पहले ये वो भी प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, और शादियों का भी ये 11 तारीख को शादियाँ थी थोड़े दिन पहले। सईद इस्लामिक कॉलेज हमने बनाया तो, लेकिन जितना मामला है वो आपकी तवज्जोहात बातनी से ही ये वकूफ़ पज़ीर है। 13 से पहले मैंने आपके कहने पर इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एफ़ ए भी किया, बी ए भी किया, और एम ए इस्लामियात का मेरा आखिरी सेमेस्टर है मेरा, लेकिन वो सिर्फ आपकी वजह से है। उसके साथ मैंने LLB में भी दाखिला लिया। मुझे जितना चाह रहा हूँ आपके जो जो फैज़ इल्म है ना उसकी बरकत से मैं चाह रहा हूँ। बिलाशुबा मैं अज़ीम फ़ारूक़ी साहब के बारे में कुछ कहना चाहूँ तो माफ़ी ज़मीर बताने से कासिर है। मैं ये कहूँगा कि मेरी शख्सियत, मेरी गुफ्तगू, मेरे फ़राइज़, मेरा प्रोफेशन, इसकी जो नोक पलक है और उसमें जो मॉडर्नाइजेशन है कि दीन और दुनिया दोनों में बैलेंस करते हुए तवाज़न के साथ, हाँ इंसान थोड़ा लड़क रहता है कभी ये बल्ला बाड़ी कभी ये बाड़ी, ये मैंने उनसे सीखा है। जब मैंने खुद अपने मुंह से कहा कि डॉक्टर अमदाद अली फारूकी, तो आज रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा हुई, मेरा अपना नाम खला में की गुम है, कोई मुझे डॉक्टर अमदाद के नाम से कम जानता है, डॉक्टर फारूकी के नाम से ज़्यादा मोतबर जानता है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने फिर प्रोफेशन में 2006 से प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो जिन चीज़ों को मैंने असूलों को प्रैक्टिस के दौरान अपने लिए मशलेरा रखा, अवेलेबल रहना, दूसरों को तवज्जो से सुनना और खलूस के साथ उनके मसाइल के लिए कोशिश करना, ये तीनों पैरामीटर्स मैंने फारूकी साहब से सीखे। और वही गैर रवायती तरीके से कि वो करते थे मैं देखता था और फिर मैं वैसा डलता गया। अभी तक इतने साल गुजर गए हैं, मेरा एक फार्मूला था कि सामने आने वाले हर शख्स की इज्जत करनी है, मेरे से उम्र में बड़ा हो, उम्र में छोटा हो, माशर्ती तौर पर मेरे से मजबूत हो, मेरे से कमज़ोर हो, दूसरे को सुनना है और सुनकर उसके मसले के लिए खलूस से कोशिश करनी है, तो माना की बुनियाद पे मेडिकल कैंप का एहतमाम करना। जी मेरा नाम मोहम्मद अली फारूकी है, मैं फाउंडर हूँ द कर्टन रेजर प्रोडक्शंस का। हमेशा से हम मेरे वाले साहब ने हम बच्चों को काम आसानी से करने का मौका ही नहीं दिया, उन्होंने हमेशा हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप लेने को मजबूर किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब मैट्रिक पास हुआ तो मैं इस्लामाबाद में रह रहे थे, इस्लामाबाद में पढ़ रहे थे, यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे इदारे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम FJ सर सैयद कॉलेज रावलपिंडी पढ़ो जाके। अब जिसको पता लगे कि मैं सर सैयद कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे लोकल जाता था और 1.5 घंटा लग जाता था, मुझे 3 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती थी। तो मुझे याद है मैंने जब उस कॉलेज में टॉप किया, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई, बोर्ड में मेरी डिस्टिंक्शन आई, फिर मैंने बैचलर्स में भी उस कॉलेज को टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट था। तो मुझे तब समझ आई कि मेरे अपने अंदर शायद इतना कमाल ना हो कि मैं इतना इंटेलिजेंट था या बड़ा लाइक फैक्ट था, शायद मैं वो जो रोज़ कोशिश करके 1.5 घंटा सफ़र करके 3 गाड़ियां बदल के मुख्तलिफ लोगों को ऑब्ज़र्व करना या उनसे इंटरेक्ट करके पहुँचना, कभी आपके पास पूरा किराया भी ना होना। हमने ड्रामास परफॉर्म किए, मैंने यूनिवर्सिटी के ड्रामेटिक्स को लीड किया पूरे पाकिस्तान में,
और डिफरेंट नेशनल लेवल के जो यूथ ड्रामा फेस्टिवल्स थे उसमें मुझे मल्टीपल अवार्ड्स भी मिले, जिसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्ले के अवार्ड्स और मल्टीपल टाइम। इट्स नॉट लाइक कि कराची गए हैं या पेशावर में हैं या स्वात में हैं या इवन हम लाहौर में परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे सामने जो भी बड़ी टीम आई, हमारे लिए बड़े एजाज की बात कि आपको कन्वेंशनल मोड ऑफ चैरिटीज़ पे चलने का उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आप थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ चलेंगे। ना आप एक इंसान को मछली पकड़ने का हुनर सिखाते हो, ना कि उसके मुंह में मछली डाल देते हो। मेरा फिक्र ये है कि जो मेरे पास बच्चियां बच्चे पढ़ के जाएं, वो हर कोई जो है वो पूरा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बन जाए, वो उसी मिशन को उसी जज्बे को इनकॉर्पोरेट करे, स्टूडेंट्स के दिलों में वो इनकलकेट करे।